गाजीपुर जिले में गंगा के खतरा बिंदु को पार करने के बाद लगातार जलस्तर में इजाफा अभी भी जारी है। बाढ़ का पानी लोगों के चौखट को पार कर घरों की ओर रुक कर चुका है। गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण फसल डूब चुकी है तो पशुओं के लिए चारे का संकट भी सामने है। चारे के अभाव में पशुओं को निचले इलाकों में पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने से यातायात के साधनों का अभाव भी हो गया है। लोग पैदल बाढ़ का पानी पार कर शहर पहुँच रहे हैं। दूसरी ओर बाढ़ का पानी बढ़ने के बाद ग्रामीण इलाकों में स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। इसकी वजह से छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हो गई है। गंगा में चंबल सहित बांधों का पानी छोड़े जाने के बाद आई बाढ़ में उफान का स्तर एक दिन पूर्व ही खतरे बिंदु को पार कर गया था। शुक्रवार की सुबह 6 बजे ही गंगा का जलस्तर खतरे का निशान 63.105 को पार कर गया है। इसके बाद से तमाम निचले इलाकों में गंगा का पानी बढ़ रहा है। अभी भी गंगा 1 से 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ रही है। गंगा में पानी बढ़ने से रेवतीपुर क्षेत्र सहित तमाम निचले इलाकों के सैकड़ों गांवों में पानी घुसने लगा है तो लाखों बीघा खेत जलमग्न भी हो गए हैं। गंगा के जलस्तर में बढ़ाव होने से बाढ़ प्रभावित निचले इलाकों में पानी भर गया है। रेवतीपुर कामाख्या धाम मार्ग, रेवतीपुर रामपुर मार्ग, हसनपुरा रेवतीपुर मार्ग, टौगा रेवतीपुर मार्ग सहित कई संपर्क मार्ग पानी में डूब चुके हैं। आवागमन में लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। गंगा किनारे से बहुत से पशुपालक अपने पशुओं को लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुँच रहे हैं। केले की खेती करने वाले किसानों के माथे पर भी पसीना छूट रहा है। नया पुराना मिलाकर लगभग 800 बीघे की खेती केले की हुई है। अभी नए में लगभग 5 लाख पौधे लगे हैं। यदि बाढ़ का पानी और बढ़कर खेतों में रुक गया तो केले की फसल के साथ साथ किसानों का लगभग 1 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। वहीं केले के साथ उर्दी, कोहड़ी व मिर्च टमाटर का भी व्यापक नुकसान हो रहा है।